हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। ये वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे यूनिट 3 का एक और टॉपिक, दैट इज़ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट एंड इवोल्यूशन, दैट इज़ पार्ट 1 ऑफ यूनिट 3 इज़ ऑलरेडी डन, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम करेंगे दैट इज़ व्हाट आर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को अडॉप्ट किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने एक डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया, जो डिक्लेरेशन सभी देशों ने, जो भी यूएन के मेंबर थे, उन्होंने मिलकर बनाया था रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट्स, कि ह्यूमन राइट्स क्या क्या होने चाहिए, किस किस कैटेगरी में मिलने चाहिए, किस तरीके से गवर्नमेंट को ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ काम करना चाहिए, ताकि वो ये एंश्योर कर सके कि उसके सिटीजन्स को, उसके मेंबर्स को ये राइट्स प्रोवाइडेड हो। इन सब चीज़ों को सभी देशों ने मिलकर बनाया था और इंडिया ने भी बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था इन द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस डिक्लेरेशन और इसे अपनाया भी है। तो द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन वॉज अडेप्टेड ऑन 10 दिसंबर 1948 और इस डिक्लेरेशन में प्रियम्बल के साथ अराउंड 30 आर्टिकल्स हैं। डिफरेंट आर्टिकल्स को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सिविल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, अलग अलग राइट्स को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया है और टोटल कुल मिलाकर 30 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, जो बात करते हैं सिविल राइट्स पे, पॉलिटिकल राइट्स पे, स्पीच, इकोनॉमिक, जो ऑलरेडी हम डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं कि ह्यूमन राइट्स के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आती है। ठीक है, एक बात जो अभी ध्यान रखनी है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी, कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो एक लीगल ट्रीटी नहीं है। किसी भी तरीके से किसी भी देश पर ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, किसी भी देश पे ये एनफोर्स नहीं किया गया है, ज़बरदस्ती नहीं है कि उन्हें ये फॉलो करना ही है, और अगर वो नहीं करते तो किसी तरह की इंटरनेशनल सैंक्शन उन पे लगाई जाएगी, ऐसा नहीं है। बट फिर भी सभी जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं वो इस डिक्लेरेशन को फॉलो करते हैं और इसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोविजंस बनाते हैं। जैसे आप देखिए नॉर्थ कोरिया, वहाँ पे तो खुले आम ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, वहाँ पे किसी को भी अपने सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट एंजॉय करने का हक नहीं है। वहाँ हर एक इंसान जो है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, रूलर है, उन्हीं के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। हेयर कट तक वो अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। सो वहाँ पर मैक्सिमम उसका क्या इम्पैक्ट है, कहीं किसी तरीके से वर्ल्ड से वो कटा नहीं है, बट ये है कि मैक्सिमम जो नेशंस हैं उसके साथ बिजनेस में या किसी तरह का इकोनॉमिक, यू कैन से, रिलेशन रखना प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि उसकी जो एक इमेज है वर्ल्ड फ्रंट में वो बहुत ही नेगेटिव है। ठीक है, टार्निश हो गई है उस वजह से। ठीक, तो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, बट स्टिल ऑल नेशंस और ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फॉलोज इट। फाइन, ओके। सो यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स, कुछ और ऐसी ट्रीटीज़ भी हुई हैं जिसे फॉलो करता है पूरा वर्ल्ड, दैट इज इंटरनेशनल कॉन्वेन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड टू अदर ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स, दैट इज इंटरनेशनल कॉन्वेन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। सो ये एक तरह से डॉक्यूमेंट्स आप कह सकते हैं, या प्रोविजंस जो है, जो मिलकर नेशन जो है मिलकर बैठते हैं, साइन करते हैं, डिसाइड करते हैं कि इसके अकॉर्डिंगली ही हम अपने देश की जो सरकार है उसे चलाएंगे। ठीक है, तो डिक्लेरेशन एस्टैब्लिश एज अ कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट फॉर ऑल पीपल एंड नेशन प्लेड अ फंडामेंटल फाउंडेशनल रोल इन शेपिंग द इंटरनेशनल ऑर्डर दैट इमर्ज आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। सो ये जो डिक्लेरेशन था जिसपे सभी देशों ने अपनी सहमति जताई, उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ, उसके बाद वर्ल्ड को एक नई डायरेक्शन देने में, एक स्टेबिलिटी लाने में, और जो छोटे देश हैं, जो थोड़े से इकोनॉमिकली बैकवर्ड देश हैं, या जिनको हम थर्ड वर्ल्ड नेशंस कहते हैं, जो इकोनॉमिकली कहीं पीछे हैं, उनको साथ लाने में बहुत ही हेल्प की है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट डेट हियर इज, इट इज मेंशन, दैट इज 10 दिसंबर 1948। ओके, सो 2023 को द यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है अपनी 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता है। ठीक है, हर साल 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन राइट्स, क्योंकि उसी दिन अडॉप्ट हुआ था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और 2023 को इट मार्क्स इट्स 75th एनिवर्सरी, और उसकी जो थीम रही है
ये भी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस, आजादी, बराबरी और न्याय, यही सबको प्रोवाइड करने का जो एम है दैट इज ऑफ ह्यूमन राइट्स. ठीक, नाउ डिफरेंट आर्टिकल्स क्या कहते हैं ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, वो लास्ट में मैंने एक पूरा टेबल तैयार किया है विच वी विल स्टडी लेटर ऑन. पहला ये दो आर्टिकल्स के बारे में हम जान लेते हैं. तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का जो फर्स्ट आर्टिकल है वो ये कहता है कि हर एक इंसान जो है दैट इज बॉर्न फ्री, वो आजाद पैदा हुआ है, एंड ही हैज अ राइट टू लिव विद डिग्निटी. ठीक है, उसको इज्जत के साथ जीने का पूरा पूरा हक है. सेकेंड आर्टिकल कहता है कि एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स एंड फ्रीडम द डिक्लेरेशन सेट आउट विदाउट एनी डिस्टिंक्शंस और डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, तो पहला तो है कि हर एक इंसान फ्री पैदा हुआ है, उसे इज्जत से साथ जीने का हक है. दूसरा ये कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल या ह्यूमन बींग के साथ डिस्टिंक्शन और डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर, वॉट एवर, फाइन, रिलीजन, पॉलिटिकल, अदर ओपिनियन. ठीक, सो दीज टू आर्टिकल जो स्टार्टिंग में जो एक तरह से प्रीफेस या यू कैन से एक फेस प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन राइट्स को, दैट इज आर्टिकल वन एंड आर्टिकल टू. ठीक, सो द डिक्लेरेशन ऑल्सो से दैट ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ. डिक्लेरेशन में ये भी बहुत इंपॉर्टेंटली मेंशन किया गया. देखिए, डिक्लेरेशन जैसे हमने पढ़ा कि कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, बस उसमें एक डायरेक्शन वो एक प्रोवाइड करता है हर देश को, जिस डायरेक्शन पे उसे काम करना है ताकि वो अपने देश में इक्वालिटी को इंश्योर कर सके. ठीक है, तो वो एक पैम्फलेट सॉर्ट ऑफ यू कैन से एक मैप टाइप प्रोवाइड करता है कि किस डायरेक्शन में उन्हें अपने डिफरेंट लॉज को बनाना है. एक तरफ वो बात करता है कि हर एक इंसान बराबर है तो आपको उनको इक्वालिटी प्रोवाइड करनी है, दूसरी तरफ ही सेज कि कोई डिस्टिंक्शन नहीं होनी चाहिए, तो द कंट्री और द गवर्नमेंट हैज टू वर्क अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन. एंड ऑल्सो ही इट टॉक्स अबाउट दैट ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ. तो हर गवर्नमेंट को इस तरफ भी वर्क करना है कि लीगली और कानून की नज़र में हर इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाए. जैसे हमारे देश में आर्टिकल 4 जो है, 14 जो है ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो प्रोवाइड करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ठीक है, कानून के सामने सब बराबर हैं और कानूनी हक जो है सबके इक्वली प्रोटेक्ट किए जाते हैं. हर एक इंसान को एक ही तरीके से, एक ही नज़र से देखा जाता है कानून के सामने. सो ये जो क्राइटेरिया है, ये जो बेसिक आर्टिकल 14 था, दैट इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम द ह्यूमन राइट्स. ठीक, तो फ्री ट्रायल की भी बात की गई है कि सबको एक ही तरीके का जस्टिस ट्रायल जो है प्रोवाइड किया जाएगा. सो नाउ व्हाट इज द अचीवमेंट. सो डिफरेंट जो आर्टिकल्स हैं वो मैं आगे आपको बता दूंगी कि कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन सा आर्टिकल मेंशन है. पहले वी सी की अचीवमेंट्स, की फायदा क्या हुआ, कि क्या फन था इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन को लाने का, इसे अडॉप्ट करने का, कोई बेनिफिट भी हुआ है कि जस्ट ये एक पेपर वर्क बन के रह गया. तो सबसे पहला तो है कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसे ना फॉलो करने से किसी देश को कोई फर्क नहीं पड़ता. इसीलिए नॉर्थ कोरिया जैसे देश अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे खुले आम ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हो रहा है, जहाँ पे लोग अभी भी आप कहें तो बंदिश में जी रहे हैं, फ्रीडम से नहीं जी पा रहे हैं. ठीक है, तो बाइंडिंग नहीं होने की वजह से, लीगल बाइंडिंग नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं इसकी स्ट्रेंथ तो वीकन है, लेकिन स्टिल ग्लोबली इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. आज के देश में, आज के एरा में अगर हम देखें कि सीरिया में जिस तरह की वॉर्स हो रही है, यूक्रेन में हो रहा है, तो ह्यूमन राइट के वायोलेशंस हैं, लेकिन स्टिल एक जो स्टेबिलिटी मेंटेन है वर्ल्ड फ्रंट में, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस. अगर ये अडॉप्ट नहीं किया गया होता या इंटरनेशनल फ्रंट में सभी देशों ने मिलकर इसे फ्रेम नहीं किया होता, तो आज का वर्ल्ड ज्यादा वर्स्ट स्टेज पे होता. ठीक है, वर्ल्ड वार अभी तक हम बहुत ज्यादा फेस कर चुके होते. ठीक है, सो द UDHR सिग्निफिकेंस ट्रांजिट दिस नॉन बाइंडिंग स्टेटस हैविंग सर्व्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर ओवर 70 ह्यूमन राइट ट्रीटीज ग्लोबली. इट्स इन्फ्लुएंस इज एविडेंट इन मूवमेंट सच एज डीकोलोनाइजेशन, एंटी अपार्थेड एंड वेरियस फ्रीडम स्ट्रगल वर्ल्ड वाइड. तो इसको अडॉप्ट करने का फायदा क्या हुआ कि 1948 में इसको अडॉप्ट किया जा रहा है, हमारा देश इससे पहले आज़ाद हो गया, लेकिन उसके बाद भी 1948 के बाद भी बहुत से देश थे जो कॉलोनियल पावर के अंडर थे. तो डीकोलोनाइजेशन में, कॉलोनियल पावर से उनको बचाने में, उनको आज़ाद करने में इस डिक्लेरेशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. इसने लोगों को मोटिवेट किया है, लोगों को अवेयर किया है, लोगों को एनकरेज किया है अपने हकों के लिए लड़ने का. इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में फ्रीडम स्ट्रगल्स एट अ लार्ज फ्रंट हुई और छोटे छोटे देश
जो पहले कोशिश नहीं कर पा रहे थे, जो सोच रहे थे कि वो वेस्टर्न पावर्स के सामने खड़े भी नहीं हो सकते, वो वेस्टर्न पावर से लड़ भी नहीं सकते, वो कभी फ्रीडम नहीं पा सकते, उन्हें एक मौका मिला, एक पुश मिला, एक एनकरेजमेंट मिली, जिसकी वजह से हर देश इंडिपेंडेंट हो पाया, फ्री हो पाया और डीकोलोनाइजेशन हो पाई, वर्ल्ड के छोटे छोटे देश भी अपने हिसाब से अपनी गवर्नमेंट को चला पाए. सो विदाउट द UDHR फ्रेगमेंटेड लैंडस्केप विद डिफरिंग स्टैंडर्ड्स कुड हैव इमर्ज. तो अगर हम ये डिक्लेरेशन नहीं लाते तो ऐसे बहुत चांसेस थे कि हमारे वर्ल्ड में हर छोटे देश में, हर छोटे हिस्से में एक अलग तरीके के ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट होता, एक अलग तरीके का ही यू कैन से लॉ एंड ऑर्डर फॉलो किया जा रहा होता. ठीक है, तो इसने एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है, एक यू कैन से एक सिंगल डायरेक्शन प्रोवाइड किया है जिसपे पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को चलना है. ठीक है, तो सिचुएशन अभी क्रिटिकल है. UN को और इस ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन से वर्ल्ड गुजर रहा है. जैसे आप न्यूज़ में देखते ही होंगे, यूक्रेन की वॉर चलते हुए कितना टाइम हो गया है, हमास में, इसराइल में जिस तरह की कंडीशन, जिस तरह का वॉर सिचुएशन चल रही है, लोगों के साथ, जनरल पब्लिक के साथ बुरा हो रहा है. तो सिचुएशन अभी भी बहुत अनस्टेबल है, बट स्टिल इट इज फार बेटर देन विच कुड इट हैव टर्न टू बी. सो नाउ दीज आर द वेरियस आर्टिकल्स विच आर मैंशन अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट. एक्चुअली में सिंगल सिंगल आर्टिकल्स आपको करने की जरूरत नहीं है, बट ब्रॉडली कौन से सेक्शन में, विच सेक्शन ऑफ आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट विच सेगमेंट ऑफ ह्यूमन राइट, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड जस्ट. ठीक है, तो आर्टिकल 1 and 2, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इट इज टॉकिंग अबाउट कि ऑल पीपल आर बॉर्न फ्री और दे आर बॉर्न विद डिग्निटी, और सबको इक्वालिटी प्रोवाइड की जाएगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. तो इट टॉक अबाउट डिग्निटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, आर्टिकल 1 and आर्टिकल 2. देन आर्टिकल 3 to 5, दैट इज 3, 4 and 5, इट टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल राइट्स. ठीक है, एक सिंगल इंसान को क्या क्या हक प्रोवाइडेड है, दैट इज सच एज राइट टू लाइफ एंड प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी. ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी इज मैंशन अंडर विच आर्टिकल, सो इट इज मैंशन फ्रॉम आर्टिकल 3 to 5, दैट इज अंडर आर्टिकल 3 to 5. नेक्स्ट इज आर्टिकल 6 to 11, इट रेफर टू द फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज द रेमेडीज फॉर देयर वायलेशंस. यहाँ इस बारे में बात की गई है कि अलग अलग देशों को फंडामेंटल राइट्स क्या प्रोवाइड करने हैं अपने नागरिकों को, और अगर किसी कंडीशन में उसकी वायलेशन होती है तो ऐसी कंडीशन में नागरिक क्या कर सकता है. जैसे हमारे देश में अगर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है तो अ पर्सन कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली और टू द हाई कोर्ट. ठीक है, वो रिट पिटिशन दायर कर सकता है कि गवर्नमेंट उसके फंडामेंटल राइट्स को या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है, तो ही कैन डायरेक्टली गो टू द यू कैन से टू द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, सो इट इज मैंशन इन द आर्टिकल 32, दैट इज रिट्स. तो आर्टिकल 6 to 11 जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का, इट टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स एंड देयर वायलेशन एंड द रेमेडीज फॉर द वायलेशन. नेक्स्ट आता है आर्टिकल 12 to 17, दैट इज 12, 13, 14, 15, 16 and 17. सो वट दिस टॉक अबाउट, दिस टॉक अबाउट कॉम्युनिटी राइट. ठीक है, कि इंसान को किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रिसाइड करने का, मूवमेंट करने का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का, रिसाइड करने का, कम्युनिटी बनाने का, इस सब का पूरा हक है. कहीं पे भी वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, किसी भी देश की वो नेशनैलिटी ले सकता है, अपनी नेशनैलिटी छोड़ सकता है. तो दीज आर ऑल द राइट्स विच आर मैंशन अंडर आर्टिकल 12 to 17. नेक्स्ट आर्टिकल 18 to 21, दीज सेट्स ऑफ आर्टिकल्स रेफर टू द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल टूवर्ड्स द कम्युनिटी इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. सो दीज आर ऑलमोस्ट सेम है, बट यहां पे जो एक्स्ट्रा मेंशन है दैट इज रिलीजन, पीसफुल एसोसिएशन एंड आइडियाज थ्रू मीडिया. मतलब इंसान को कम्युनिटी की तरफ जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो राइट्स हैं, वो उसके बारे में बात की गई है 18 से 21 आर्टिकल के अंदर. हर इंसान को अपने आइडियाज को, बिलीव्स को फैलाने का, बोलने का हक है. आपने देखा होगा रिलीजियस प्रीचर्स जो हैं वो अपने विचारों को बताते हैं. हमारे देश में तो ऑन अ लार्ज स्केल रिलीजियस प्रीचर्स बोलते हैं, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, उन पर किसी भी तरीके का कोई रोक नहीं है. सो हियर इट टॉक्स अबाउट कि आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल 22 to 27, इट टॉक्स अबाउट सैंक्शंस ऑन इंडिविजुअल इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर.
It also upholds the right to a better standard of living and makes a special mention of care given to motherhood or childhood. तो यहाँ पे आता है health से related जो person को rights provide है. इसी के अंदर हमारे देश में इसी को ध्यान रखते हुए आयुष्मान भारत जैसी स्कीम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी स्कीम, पोषण अभियान जैसी स्कीम जो फोकस करती है मैटरनल हेल्थ की तरफ, चाइल्डहुड हेल्थ की तरफ, जनरल हेल्थ केयर की तरफ, तो दीज ऑल आर, और इकोनॉमिक और सोशल और कल्चरल राइट्स की तरफ, दीज आर द पार्ट अंडर आर्टिकल 22-27. नेक्स्ट इज आर्टिकल 28-30. इट एस्टैब्लिश द जनरल मीन्स ऑफ एक्सरसाइजिंग दीज राइट्स, द एरियाज इन विच द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल कैन नॉट बी अप्लाइड. सो 28-30 बात करता है कि किस तरह से इस राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन की जा सकती है. जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, वेयर देर इज दे टॉक्ड अबाउट ह्यूमैनिटेरियन लॉ इन द ह्यूमन राइट्स, दैट इज कि कभी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अथॉरिटी, स्टेट या गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकती है ऑन द ह्यूमन राइट्स, कि ये जो ह्यूमन राइट्स है दीज आर नॉट बाउंड्रीलेस, दीज आर लिमिटेड, लिमिटलेस नहीं है, वो लिमिटेड है कुछ कंडीशंस में, इन द कंडीशन ऑफ एमरजेंसी वॉर्स गवर्नमेंट उनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है. सो दिस इज मेंशन अंडर आर्टिकल 28-30. सो नाउ वी विल स्टडी, हमने ये देख लिया कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स क्या था, उसके अंदर कितने राइट्स हैं, 30 हैं एक प्रीएम्बल के साथ, किस किस सेक्शन में कौन कौन से राइट्स मेंशन हैं, दिस वी हैव लर्न्ड. देन वी स्टडी कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है. पहले हमने देखा था कि अभी तक उसको लाने का फन क्या था, नाउ वी विल फाइंड आउट कि इसने कुछ इफेक्टिव किया है. तो द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इज वाइडली रिगार्डेड एज अ ग्राउंड ब्रेकिंग डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड यूनिवर्सल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स इन सेकुलर ए पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट दैट इज बियॉन्ड कल्चर रिलीजियस. जैसा हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं कि किसी भी तरीके से ये बायस नहीं है, ये कल्चरली न्यूट्रल है, हर किसी भी कल्चर को ये स्पेसिफिक फोकस नहीं देता है, ये हर कल्चर के राइट्स को प्रमोट करने के लिए इट इज़ फोकस्ड टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ एवरी पर्सन्स कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिकल राइट्स. सो इट इज़ कल्चरली न्यूट्रल, इट इज़ यूनिवर्सल. सो इट हैज़ हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग द ऑर्डर इन द वर्ल्ड. ठीक है, रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करने में इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जहाँ पे यह बात की जाती है कि कानून का जो है शासन चलना चाहिए. देर शुड नॉट बी एनी इंडिविजुअल रोल, इट शुड बी द रूल ऑफ लॉ, एंड एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. हर एक इंसान कानून की नज़र में बराबर है और उसके हकों को जो है प्रोटेक्शन है वो भी बराबर ही प्रोवाइड की जा रही है. ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल लॉ. अ डिक्लेरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अ ट्रीटी इन द सेंस दैट इट जनरली स्टेट्स एस्पिरेशन और अंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टीज रादर देन बाइंडिंग ऑब्लिगेशन. अब देखिए यहाँ पर क्लियर किया गया है कि डिक्लेरेशन और ट्रीटी में फ़र्क है. इट इज़ नॉट अ ट्रीटी. ऑप्शन पर आपको मैंशन किया जा सकता है कि इट इज़ अ ट्रीटी अमंग द नेशंस. नो, इट इज़ नॉट अ ट्रीटी, क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है. मैं पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ, इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग. ये सिर्फ एक डिक्लेरेशन है, मतलब एक सहमति से सभी वर्ल्ड के नेशंस बैठे और उन्होंने सहमति से इस एक डॉक्यूमेंट आप सोच लीजिए, उसको फॉर्मुलेट किया, एक अपनी डायरेक्शन, एक मैप उन्होंने सेट किया कि जिस की डायरेक्शन में वो काम करेंगे अपने देश के नागरिकों की हकों को सुरक्षित करने के लिए. ठीक है, सो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इज अ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड बाय एक्सटेंशन ऑल 193 पार्टीज ऑफ यूएन चार्टर्स. ठीक है, तो अभी यूएन की जितनी भी मेंबर्स हैं, दीज आर सिग्नेटरी टू यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑल्सो इन्वॉल्विंग अवर कंट्री. ठीक है, हमारे देश भी इसको सिग्नेटरी है, उसने इसको फॉर्मुलेट करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अप्लाई किया है, बट इट इज़ नॉट लीगल बाइंडिंग. सो दैट्स इट फॉर टूडेज लेक्चर. हमने देखा, अगर एक स्मॉल सा रिकैप करें हम तो, वी हैव स्टडीज की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट हम को अडॉप्ट किया गया था ऑन 10 दिसंबर 1948 में. इसे फॉर्मुलेट करने में सभी देशों ने मिलकर अपनी सहमति जताई, बट इट इज़ नॉट अ लीगल बाइंडिंग. अभी तक इट हैज़ एस्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क विच हेल्प्ड नेशन टू एस्टैब्लिश ऑर्डर बाय रिमूविंग डीकॉलोनाइजेशन, बाय
हेल्डिंग डीकॉलोनाइजेशन, फ्रीडम स्ट्रगल में प्रमोट करने के लिए, अपार्थाइड मूवमेंट्स को चलाने में हेल्प करके यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. फिर हमने देखा डिफरेंट आर्टिकल्स जो इसके अंडर मेंशन है, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 30, जिसमें इंपॉर्टेंट इज आर्टिकल 1 एंड 2 विच टॉक्स अबाउट डिग्निटी एंड इक्वालिटी, एंड 3 to 6 इट टॉक्स अबाउट स्लेवरी. ठीक है, लास्ट के जो आर्टिकल है दैट इज 28 से 30, इट इज टॉक दे टॉक अबाउट ह्यूमैनिटेरियन लॉ. ठीक, तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. इसी के साथ हमारे यूनिट 3 का एक और टॉपिक कंप्लीट होता है. रिमेनिंग टॉपिक भी जल्द से जल्द मैं लेके आऊँगी आपके पास, एंड हमारा जो स्पेशलाइजेशन पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा. साइड बाय साइड हमारे MCQ सीरीज चलते रहेंगे. और अगर आपको अपनी तैयारी को और स्ट्रेंथन करना है तो आप जो हमारी टेस्ट सीरीज है जेके SSB सुपरवाइजर के लिए जो लॉन्च हो चुकी है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं. उस वो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. सो आप ज़रूर जाके वहाँ चेकआउट कीजिए. सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड.